एक साल, 2 साल या फिर 10 साल या फिर जितना भी आपका मन करे उतने साल के लिए वो शेयर्स आप अपने पास रखते हो ताकि इन फ्यूचर उस शेयर का दाम बढ़े। एंड आपको एक सजेशन दे दूं मैं आपको कि आप मुझसे या कहीं से भी कोई भी चीज सीखते हो तो आप उसको अपने तरीकों से समझने की और कोशिश करो ताकि हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे देश में शेयर मार्केट ने जितना नाम नहीं कमाया हुआ है उससे ज्यादा तो ये बदनाम हुआ पड़ा है। आज कोई भी आता है और शेयर मार्केट को कुछ भी बोलकर चढ़ा जाता है। वैसे मोदी जी बिल्कुल सही ही कहते हैं, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है और आज इसकी सीमा आ गई है। आज मैं आपको इस वीडियो में 2 चीजें बताने वाला हूँ एंड उसके बाद आप भी 2 चीजें करोगे। पहला ये कि कमेंट में आप बताओगे कि शेयर मार्केट बदनाम है या नहीं, एंड दूसरा ये कि जो भी लोग आपके आसपास में जो भी लोग शेयर मार्केट को बदनाम कर रहे हैं आप उसको ये वीडियो उसके मुंह पे मारोगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर शेयर मार्केट को शेयर मार्केट क्यों कहा जाता है, क्यों इसका नाम शेयर मार्केट पड़ा और फिर कंपनी को अपने शेयर्स बेचने की क्या जरूरत होती है। वैसे शेयर मार्केट क्या है एंड ये कैसे काम करता है ये एक बेसिक सी चीज है बट बिगिनियर्स के लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए समझते हैं। वैसे बेसिकली शेयर मार्केट एक मार्केट होता है जिसमें आप अपने पैसों के बदले शेयर्स खरीदते हो एंड बेचते हो। तो इसमें बेसिकली 2 चीजें होती है। पहला ये कि आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद कर 1 साल, 2 साल या फिर 10 साल या फिर जितना भी आपका मन करे उतने साल के लिए वो शेयर्स आप अपने पास रखते हो ताकि इन फ्यूचर उस शेयर का दाम बढ़े एंड आपको प्रॉफिट हो। तो इसको बेसिकली इन्वेस्टमेंट बोला जाता है कि आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो। एंड दूसरी चीज होती है ट्रेडिंग। वैसे ट्रेडिंग को जानने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूँ शेयर मार्केट के बारे में। तो शेयर मार्केट एक वीक में केवल 5 दिनों के लिए ही खुला होता है, जैसे आपके स्कूल और कॉलेज मंडे टू सैटरडे खुले होते हैं ठीक उसी तरह शेयर मार्केट मंडे टू फ्राइडे एक वीक में 5 दिन खुला रहता है और इसका टाइम होता है 9:15 से लेकर 3:30 तक। ओके, तो चलिए ट्रेडिंग पर वापस आते हैं। तो ट्रेडिंग जो होता है उसको बेसिकली आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो। इसमें क्या होता है कि आप मंडे टू फ्राइडे 9:15 से लेकर 3:30 के बीच किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद कर और इसी टाइम फ्रेम में बेच देते हो। तो इसको बेसिकली ट्रेडिंग बोला जाता है कि आप किसी कंपनी के शेयर्स में ट्रेड कर रहे हो। वैसे ये ट्रेडिंग भी बहुत सारी टाइप की होती है एंड सारी टाइप की ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको इस प्रतीक जर्नी चैनल पर बताऊंगा, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए। ओके, तो अब आपको शेयर मार्केट की कुछ बेसिक सी चीजों के बारे में पता चल गया होगा, जैसे ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, टाइम फ्रेम वगैरह। एंड आइए अब समझते हैं कि कंपनी को आखिर अपने शेयर्स बेचने की जरूरत क्या होती है, आखिर कोई भी कंपनी क्यों अपना शेयर्स बेचा करती है। तो चलिए इसको भी समझते हैं। ओके, तो मान लीजिए कि मैंने एक लिट्टी चोखा का रेस्टोरेंट खोला। वैसे बिहार में लिट्टी चोखा बहुत फेमस है तो इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल लिया। तो चलिए मान लेते हैं कि मैंने एक लिट्टी चोखा का रेस्टोरेंट खोला एंड वो रेस्टोरेंट बहुत चलने लगा, लोग लाइन लगाकर मेरे रेस्टोरेंट में लिट्टी चोखा खाने आने लगे। तो कुछ टाइम बाद मैंने देखा कि मेरे एक रेस्टोरेंट का प्रॉफिट 10 लाख रुपए था। तो मैंने सोचा कि मैं इसके 2-3 ब्रांचेस और खोलूं। तो मैंने अलग अलग जगह पर 2-3 ब्रांचेस और खोल लिए एंड मैं जिस रेसिपी से लिट्टी चोखा बनाता था तो वो लोगों को और पसंद आने लगा। तो कुछ टाइम बाद मैंने देखा कि मेरी जो प्रॉफिट है वो बढ़ने लगी। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इस रेसिपी वाले लिट्टी चोखा के रेस्टोरेंट के ब्रांचेस को मैं पूरे ऑल ओवर द इंडिया खोलूंगा। वैसे आइडियाज तो मेरे पास थे कि मुझे पूरे ऑल ओवर द इंडिया ब्रांचेस खोलने हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। तब मैंने डिसाइड किया कि मैंने ये जो इंडिया का शेयर मार्केट है तो मैं यहाँ से पैसे लाऊंगा। मैं लोगों को अपने रेस्टोरेंट के फ्यूचर प्लान्स बताकर उनको शेयर्स दूंगा एंड उससे पैसे लूंगा ताकि मैं अपने लिट्टी चौका के ब्रांचेस को पूरे ऑल ओवर द इंडिया खोल सकूं। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी अपने शेयर्स को क्यों बेचना चाहती है। आइए अब समझते हैं कि कंपनी अपने शेयर्स को कैसे बेचती है और कहाँ बेचती है। ओके, तो उसी एग्जाम्पल पर फिर से वापस आते हैं। तो मैं एक लिट्टी चोखा के रेस्टोरेंट का ऑनर ढूंढने लगा कि आखिर कहाँ
जहां पे मैं अपने शेयर्स को लोगों को दूं और ताकि लोग मुझे उसके बदले में पैसे दे पाए, ताकि मैं अपने ब्रांचेस खोल पाऊं। तो ढूंढते ढूंढते मुझे इंडिया में दो जगह मिली, एक BSE जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं और दूसरा NSE जिसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। एंड उसके बाद मैंने अपने रेस्टोरेंट का एडमिशन BSE और NSE में करवाया, मतलब वहां पे लिस्ट करवाया। उसके बाद मैं अपने शेयर्स लोगों को देने लगा एंड लोगों से पैसे लेने लगा। वैसे यहां तक तो किसी को भी जुआ नहीं लगता, बट असली प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होती है, चलिए वो मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। मान लीजिए कि आप आर्ट्स के सब्जेक्ट हो, मतलब आप आर्ट्स हो एंड आपको साइंस सीखना है। साइंस को मान लेते हैं हम लोग शेयर मार्केट, यानी आप आर्ट्स हो और आपको साइंस यानी शेयर मार्केट सीखना है एंड आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ओके, तो साइंस में ना दो चीजें होती हैं, एक मैथ होता है एंड दूसरा बायोलॉजी होता है। तो आप सपोज कि साइंस में जो मैथ है वो इन्वेस्टिंग है एंड साइंस में जो बायोलॉजी है वो ट्रेडिंग है। एंड सपोज कि मैथ का जो एग्जाम होगा उसमें ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन आएंगे एंड बायोलॉजी का जो एग्जाम होगा उसमें आपका फेवरेट मान लेते हैं उसमें रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को फंडामेंटल एनालिसिस मान लेते हैं और रिप्रोडक्शन को टेक्निकल एनालिसिस मान लेते हैं। तो यदि आपने ट्रिगोनोमेट्री और रिप्रोडक्शन अच्छे से पढ़ रखी है तो आपको एग्जाम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। ठीक उसी तरह यदि आपने फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से पढ़ रखी है, अच्छे से समझ रखी है, अच्छे से सीख रखी है, तो आपको तो इन्वेस्ट करने में या फिर ट्रेड करने में कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। बट लोगों में प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है, उन्हें ना तो फंडामेंटल एनालिसिस आता है और ना ही टेक्निकल एनालिसिस आता है। उन्हें पता चला कि इस कंपनी का शेयर आ रहा है तो बिना कोई एनालिसिस किए वे अपना पैसा उस कंपनी में डाल देते हैं एंड कुछ टाइम बाद उसका पैसा डूब जाता है तो शेयर मार्केट को बदनाम करने लग जाते हैं। एंड आप ही सोचो कि बिना कुछ सीखे, बिना कोई एनालाइज किए अगर आप अपना पैसा किसी कंपनी के शेयर्स में डालोगे तो इसका मैक्सिमम चांस बनेगा कि आपका पैसा डूब जाएगा। बट लोग ये समझते ही नहीं है, वो बिना कुछ सोचे समझे बस किसी कंपनी के शेयर में पैसा डाल देते हैं एंड कुछ टाइम बाद उसका पैसा डूब जाता है तो लोग शेयर मार्केट को बदनाम करने लग जाते हैं, बोलते रहते हैं कि ये एक जुआ है, ये है, वो है। आई नो कि आप बिगिनियर्स हो बट नए जनरेशन वाले बच्चे हो एंड आप बिना कुछ सीखे, बिना कुछ सोचे ऐसे ही किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट नहीं करोगे। वैसे डोंट वरी, मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी सिखाऊंगा और टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाऊंगा। तो इसलिए आप मेरे इस प्रतीक जर्नी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में मैं वो वीडियो अपलोड करूँ एंड आपसे उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिस नहीं हो जाए। वैसे हाँ, एक सजेशन दे दूँ मैं आपको कि आप मुझसे या कहीं से भी कोई भी चीज़ सीखते हो तो आप उसको अपने तरीकों से समझने की और कोशिश करो ताकि वो चीजें आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। ओके, तो वैसे सब्सक्राइब टू प्रतीक जर्नी चैनल एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।